प्यार है और यही प्यार हमारे नेता ने हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को, अपने साथियों को, बिहार वालों को जनसैलाब बर्फी के कार्यक्रम में आज एक उभर कर आया है। ये अपने में दर्शाता है कि हमारे नेता अपने लोगों से कितना प्यार करते थे और ये लोग उनसे कितना प्यार करते हैं। आज लगभग साल भर हुआ हमारे नेता को गए हुए, पर आज भी हर एक व्यक्ति की आंखें नम है, उनको याद करके हर एक व्यक्ति की आंखों में आंसू है। आज मैं जिससे भी मिल रहा हूँ, जिस भावुक गले के साथ, आंखों के साथ, जिस नमी के साथ हर व्यक्ति मिल रहा है, ये अपने में दर्शाता है कि हमारे नेता के लिए लोगों के मन में कितना प्यार है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं, उन्होंने जो आज सुबह संदेश अपना भेजा, उस पत्र में भी उन्होंने स्पष्ट तौर से यही लिखा कि मेरे लिए ये बहुत भावुक दिन है। प्रधानमंत्री भी जहां एक तरफ हमारे नेता आदरणीय रामदास पासवान जी को याद करके भावुक हो रहे हैं, वहीं पर वो उनको याद कर उन्हें अपना मित्र बता रहे हैं। तो ये तमाम बातें दर्शाती हैं कि हमारे नेता ने एक ऐसा प्रभाव देश भर में छोड़ा है कि आज उनके जाने के बाद भी लोग उनको उतनी आत्मीयता से और उतनी ही भावुकता के साथ, उतने ही सम्मान आदर प्यार के साथ उनको याद कर रहे हैं। एक एक करके तमाम जितने भी लोग के पास में गया हूँ निमंत्रण देने, तमाम आ रहे हैं। एक बजे से अभी कार्यक्रम था और उससे पहले ही मैं धन्यवाद करूंगा वहाँ भैया राज्यपाल जी का कि उन्होंने आकर इतना समय यहाँ पर दिया, प्रसाद को लेकर यहाँ से वो गए और इतनी देर वो बैठे, परिवार के तमाम सदस्यों से मां महिम जी मिले और अभी जैसे कार्यक्रम की शुरुआत है, धीरे धीरे तमाम और सामान्य सदस्य कई सांसद यहाँ पर आ चुके हैं, कई विधायक और कई विधान पार्षद यहाँ पर आ चुके हैं। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से बहुत ही विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ कर जहाँ उन सबका आदर सम्मान करता हूँ, वहीं आने के लिए मैं उनका धन्यवाद भाई। मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है, मैंने अपनी तरफ से मैंने पूरा प्रयास किया, आप सब के माध्यम से भी मैंने उनको निमंत्रण भिजवाया। कल मेरे साथी भी वहाँ पर गए उनके दरवाजे पर निमंत्रण देने, संभवतः शायद वो